For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान अपने फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहते हैं, मगर जब भी वो किसी रोल को निभाने वाले होते हैं तो वो उस कैरेक्टर के हाव भाव और शारीरिक प्रकृति को हूबहू रिक्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिल्म सुल्तान के लिए सलमान खान ने एक बीफ्ड अप लुक प्रेजेंट किया था, जिसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसके बाद फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए उन्होंने काफी वजन घटाया और लीन डाइट पर आ गए। फिल्म भारत में भी हमने सलमान खान के कई रूप देखे और इससे हमें अंदाजा लग ही गया कि वो अपने हर लुक को लेकर कितने सीरियस रहते हैं। फिल्म दबंग 3 के लिए वो अपने बबली चुलबुल पांडे अवतार में आएंगे नजर, पर उसके बाद वो एक बार फिर वजन घटाना शुरू कर देंगे ताकि संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म इंशाल्लाह में उनकी और आलिया भट्ट की जोड़ी ऑन स्क्रीन पर सिंक्रोनाइज्ड लगे। तो सलमान खान की इस मेहनत और लगन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। शुभवर्णा चैटर्जी और आप सभी का स्वागत है मूवीज अड्डा पे। अभी मैं आपको सलमान खान के बारे में एक अच्छी खबर बताने वाली हूँ। सलमान खान हाल ही फिलहाल में सोमानी सेरामिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। जी हाँ, सोमानी सेरामिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो टाइल्स और बाथवेयर्स के लिए फेमस है और अब इसके साथ सलमान खान का नाम जुड़ा होगा। इसके MD अभिषेक ने बताया कि इसका टैगलाइन है जमीन से जुड़े, इसलिए उन्होंने एक ऐसे एक्टर को लिया जो खुद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। सलमान खान इतनी तरक्की के बाद भी अपने जमीन और अपने रूट्स को नहीं भूले हैं और ये ब्रांड भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए उन्होंने सोचा सलमान खान का नाम इस ब्रांड के साथ जोड़ने से ये घर घर में और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा और भी तरक्की कर सकेगा। सलमान खान इस ब्रांड के लिए बहुत सारे आउटडोर कैंपेन्स, TVCs और सोशल मीडिया कैंपेन्स भी करने वाले हैं। अब देखने की बात ये होगी कि ये चुगलबंदी कैसे काम करती है और कितना घर कर पाती है ऑडियंसेस के मन में और लोग इसकी कितनी तारीफ करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये चुगलबंदी कैसे होने वाली है, ये हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ये न्यू पार्टनरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और हम आप तक सलमान खान की और भी खबरें भेजते रहेंगे। इसके लिए देखते रहिए मूवीज अड्डा। इन दिनों छोटे पर्दे पर सभी नच बलिए 9 की बात कर रहे हैं।
आखिर इस सीजन को पहली बार सलमान खान जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर हमें पता चला कि इस शो को मनीष पॉल होस्ट करेंगे तो हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। पर अब हम लाए हैं सेट से एक और तस्वीर जहां होस्ट रवीना टंडन सलमान खान और ऑडियंस से कहती हैं कि उन्होंने अपना डेब्यू सलमान खान के साथ ही किया था। रवीना टंडन ने कहा कि सलमान खान और उनके पिता दोस्त थे और दोस्ती में ही पत्थर के फूल बन गई थी। अब इस बात को बरसों बीत चुके हैं लेकिन रवीना आज भी सलमान खान को अपना गॉड फादर मानती हैं। तो रवीना टंडन के इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। सलमान खान का फैंडम इंडस्ट्री के बाहर तक सीमित नहीं है। जी हाँ, ये सच है। दबंग खान के फैंस फिल्म फ्रेटर्निटी में भी उतने ही हैं और इस कलेक्टिव प्यार और रिस्पेक्ट के चलते ही उन्हें बॉलीवुड का सुल्तान माना जाता है। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान हमने सेक्सी डीवा और सलमान खान की टाइग्रेस कैटरीना कैफ को हमारे दबंग खान के बारे में बात करते सुना। कैट ने इस इंटरव्यू में कहा, सलमान खान हमेशा से ही मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं। वो हमेशा ही मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहेंगे। उनके बिना मेरी जिंदगी काफी डिफिकल्ट होती। उनके बिना मेरी जर्नी काफी डिफिकल्ट होती। अब इस स्टेटमेंट से सलमान की एक्स ने ये साफ दर्शाया है कि उनके मन में आज भी सलमान के लिए काफी स्ट्रांग फीलिंग्स हैं। और आज कैट के बर्थडे पर इस वीडियो को देखकर हम सबको एक बार फिर उनकी बॉन्डिंग का सबूत मिल ही गया है ना। हाय, मैं हूँ शुभोर्णा चैटर्जी और आप सभी का स्वागत है मूवीज अड्डा पे। बॉलीवुड के गलियारों में बहुत दिनों से ये बातचीत चल रही थी कि क्या मलाइका अरोड़ा दबंग 3 का पार्ट बनेंगी या नहीं। और अब उन्होंने खुद एक न्यूज पोर्टल के साथ बात करते वक्त ये बताया है कि नहीं, वो दबंग 3 का हिस्सा नहीं बनने वाली है। अब देखने की बात ये होगी कि इस बार दबंग 3 में मुन्ना बदनाम हुआ नाम का जो आइटम सॉन्ग होने वाला था उसमें कौन परफॉर्म करेगा। हमारी मुन्नी तो इसमें परफॉर्म करने वाली नहीं है। तो इसका मतलब यह है और सुना भी ये गया है कि सलमान खान खुद इस गाने पे इस बार परफॉर्म करेंगे। अब देखना ये होगा क्या मुन्नी बदनाम हुई की क्रेज को पीछे छोड़ के मुन्ना बदनाम हुआ सबके दिलों पे घर कर पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, मलाइका की कमी हम सबको महसूस होगी दबंग 3 में या फिर सलमान खान के दबंग स्टाइल से सब वैसे ही खुश हो जाएंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। और भी मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए मूवीज अड्डा। तेरी चुनरिया दिल ले गई। यस, वेल सलमान की चुनरिया तो नहीं है लेकिन सलमान का हर अंदाज ऑडियंस का दिल लेकर चला जाता है, चाहे वो उनका बच्चों के प्रति प्यार हो, चाहे वो फैंस को लेकर उनका इक्वली रेसिप्रोकेट करना, चाहे वो उनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन हो, चाहे वो उनका बीइंग ह्यूमन नेचर हो, चाहे वो दरिया दिली हो, चाहे वो उनकी फिटनेस हो, चाहे वो उनका फिटनेस आइडल बनना हो, हर चीज़ सलमान खान की ऑडियंस के दिलों तक पहुँचती है। और चलिए इसी बारे में आपसे बात करती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। दोस्तों सलमान खान एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके लिए जितना भी प्यार जताया जाए ना वो शायद कम है। जिस तरीके से सलमान अपने फैंस को प्यार करते हैं, जिस तरीके से फैंस सलमान को प्यार करते हैं, हाल ही में उससे रिलेटेड एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर जहां सलमान ने खुद एक वीडियो एक फिजिकली चैलेंज्ड फैन जो है सलमान खान की अपने लेग्स के थ्रू सलमान की वीडियो सलमान की एक फ़ोटो जो है वो पेंट कर रही है और बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा है तेरी चुनरिया, यू नो सलमान खान का हेलो ब्रदर से सॉन्ग है ये। वहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह का प्यार सलमान खान के लिए दिख रहा है उस फैन का, उस चीज़ को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन, जी हाँ, उन्होंने जिनकी दोस्ती सलमान के साथ काफ़ी पॉपुलर है, आइफा में भी जब आइफा मकाओ में हुआ था वहाँ पर सिल्वेस्टर स्टेलोन और साथ ही साथ सलमान खान एक दूसरे से फ्रेंडशिप निभाते हुए नजर आए थे। वेल सिल्वेस्टर जो है वो हमेशा से ही सलमान के अच्छे दोस्त माने गए हैं, अच्छे वेलविशर माने गए हैं और हमेशा से सलमान की पॉपुलैरिटी को उन्होंने हमेशा माना है। हमेशा उन्होंने ये बात कही है कि सलमान खान की जो स्टार्डम है, जो पॉपुलैरिटी है, जॉन सिन्हा भी इस बात को मान चुके हैं कि वो अनबीटेबल है, लोग पूजते हैं सलमान खान को। और जिस तरीके से उन्होंने वीडियो के नीचे कॉमेंट किया है, दैट इज़ लव एंड डिवोशन, यस, और साथ में लिखा है सैली यानी कि SLY,
सो वो शायद उनका प्यार से उन्हें सलमान को वो बुलाते होंगे सैली, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, जिस प्यार से वो वीडियो सलमान ने अपलोड किया है, हालांकि सलमान ने खुद कमेंट सेक्शन खुद कैप्शन दिया है आई कैन नॉट इवन रेसिप्रोकेट टू द लव, जिस लेवल का प्यार सलमान खान को मिलता है उसकी बराबरी करना शायद किसी भी एक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। लोग लिटरली पूछते हैं सलमान खान को, और सिल्वेस्टर और सलमान की जो दोस्ती है वो हमेशा से ही टॉक ऑफ द टाउन बनी रही है। जिस तरीके से सिल्वेस्टर स्टालोन हर चीज़ में सलमान खान को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो भारत फिल्म हो, चाहे वो सुल्तान में उनका वो रॉक सॉलिड लुक हो, या फिर उनकी आने वाली जो दबंग फिल्म है उसको लेकर एक्साइटमेंट की बात हो, हर चीज़ में सलमान खान को अप्रिशिएट किया है सिल्वेस्टर स्टालोन ने। इन दोनों की फ्रेंडशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है, सलमान भी काफ़ी बड़े प्रशंसक रहे हैं हमेशा से सिल्वेस्टर स्टालोन के। सो इन दोनों की फ्रेंडशिप को लेकर आपका क्या कहना है, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे देश में पूरी दुनिया में सलमान का लोहा ज़ोर से बोलता है, और जिस तरीके से सलमान खान के लिए दीवानगी है लोगों में वो शायद बीट करना किसी के बस की बात नहीं है। सो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में, वीडियो के नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवी गड्डा को। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहा एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। वेल, हमेशा से सलमान खान जो है वो दरिया दिली का एक तरीके से आइडल माने जाते हैं। जिस तरीके से सलमान जो है हर बार अपने दोस्तों की मदद करते हैं, काफ़ी एक्टर्स को लॉन्च करते हैं, इंडस्ट्री में एक नया स्पेस देते हैं, और इस बार नन अदर देन महेश मांजरेकर की बेटी यस यानी कि साई मांजरेकर को उन्होंने ब्रेक देने का फैसला कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सलमान जो है वो दबंग 3 में दो तरह के कैरेक्टर्स में नजर आने वाले हैं, एक चुलबुल पांडे द यंग लुक वाला, और एक चुलबुल पांडे जो प्रेजेंट में चल रहा है जो कि रज्जो के साथ पेड अप है, लेकिन जो यंग लुक वाला है वो साई मांजरेकर के साथ पेड अप होने वाला है, जिसको लेकर महेश मांजरेकर ने फाइनली, वैसे तो ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो ही चुकी थी लेकिन महेश मांजरेकर ने खुद भी इस बात को ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है। यस, अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से महेश जो है उन्होंने हमेशा से सलमान के साथ उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली है, चाहे वांटेड हो चाहे दबंग 1 हो जिसमें वो रज्जो के फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनकी कॉमिक टाइमिंग हमें बहुत पसंद आती है। सलमान और महेश का हमेशा से एक यूनिक रिश्ता रहा है, दोनों काफ़ी फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ही आइकॉनिक ये पेयरिंग होने वाली है, बिकॉज एक अनयूजुअल सी कन्वेंशनल जोड़ी नज़र आएगी जब सलमान को हम काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी यंग लुक में देखेंगे और उनके साथ सई मांजरेकर जो है वो डेब्यू करेंगी। इस चीज़ को लेकर महेश मांजरेकर ने दिल से थैंक यू कहा है सलमान को, और कहा है कि मैं कभी उनका एहसान नहीं भूलूंगा, जिस तरीके से वो उन्होंने मेरी बेटी को ये रोल ऑफर किया है, एक तरीके से एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है दबंग जैसी फ्रेंचाइज से उनका डेब्यू होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर महेश ने बहुत सारा थैंक यू किया है सलमान खान को, लेकिन आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ पर, वीडियो के नीचे जाइए कॉमेंट सेक्शन में बताइए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल मूवीज अड्डा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। Ready? Okay, ready? 1, 2, 3. You're supposed to go there. Come on, one, two. You want chocolate, Mamu? Hey! Hey! Ready? Okay, ready? 1, 2, 3. You want chocolate, Mamu? Hey! Hey!